इंदौर में गुरु शिष्य परंपरा एक बार फिर शर्मसार हुई। यहां बैडमिंटन कोच पर एक मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जब बच्ची की मां शिकायत लेकर पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। नेहरू स्टेडियम में मेरी बच्ची को बैडमिंटन का असिस्टेंट कोच था, तो उसकी ट्रेनिंग की देखरेख में होती थी, तो वहाँ उसके साथ गलत हरकत करता था वो, और मेरी बच्ची को धमकाता था कि अगर मम्मी पापा को बताया तो मैं तुम्हारा ग्वालियर में एडमिशन नहीं होने दूंगा। जो ग्वालियर का एडमिशन कैंसिल हो गया, तो एक दिन डरते डरते मेरी बेटी ने मुझे बताया कि किशन भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा करते थे। पर मुझे गुस्सा आया, मैंने उनसे इस बात का विरोध किया, तो कल उनके परिवार ने मुझे रात को रास्ते में रोक के मेरे कपड़े फाड़ दिए। इस मामले की शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले की जांच के लिए पुलिस नेहरू स्टेडियम में सीसीटीवी फुटेज भी लेने की तैयारी कर रही है। उसको सिखाने वाले कोच हैं, उनके द्वारा उसके साथ कुछ छेड़खानी की गई है। इस सूचना पर, इस शिकायत पर थाना खोड़ेल में एक अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जो स्थान है जहाँ पे ये कोचिंग होती थी, उस जगह की सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य साथी हैं और जो वहाँ पे लोग प्रेजेंट रहते हैं, उन सबके स्टेटमेंट कथन किए जा रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर इंदौर को शर्मसार कर दिया है। सवाल ये है कि अगर स्टेडियम के कोच ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लगे तो फिर बच्चियां अपने सपने को पूरा करने के लिए कहां जाएंगी। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।